आज हम तीसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं। प्रथम अध्याय में हमने देखा किस प्रकार जो लोग आध्यात्म में बहुत ही नए हैं, बहुत ही नवदीक्षित हैं, वो किस प्रकार भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान करते हैं। द्वितीय अध्याय में हमने देखा किस प्रकार योगी अपने हृदय में भगवान का ध्यान करता है, कैसे इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, हर वस्तु से भगवान का ध्यान, भगवान पे केंद्र स्थापित करने का प्रयास करता है। अब हम तृतीय अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय का परिवर्तन। क्योंकि तीन प्रकार के भगवत साक्षात्कार होते हैं। पहला होता है ब्रह्मन, दूसरा होता है परमात्मा, तीसरा होता है भगवान। तो तीसरे अध्याय में अब शुद्ध भक्ति के बारे में सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू करेंगे। हम लोग तीसरे अध्याय को शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय, प्रथम श्लोक। श्री शुक उवाच एवमेतान्निगातितां प्रविष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन् म्रियमानानां मनुष्येषु मनीषिणां। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन्न बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया। हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज का जो प्रश्न बड़ा ही उपयुक्त था कि जो मरने वाले लोग हैं उनके लिए करणीय कार्य क्या है, तो उसके विषय में दूसरे अध्याय में विस्तार से सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि किस प्रकार आध्यात्म में जो बढ़ चुके हैं, आध्यात्म में जो प्रगति कर चुके हैं, मृत्यु के समय सारी आसक्तियों से मुक्त होते हैं, सारी आसक्तियों से अपने आप को समेट के किस प्रकार भगवान की शरण में अपने आप को संलग्न करते हैं, यह बात वह बता चुके हैं। सुजाता माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारे विश्व में मानव समाज में लाखों करोड़ों लोग हैं और वे प्रायः सभी अल्पज्ञ हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत अल्प ज्ञान है। प्रायः सबको जीवन की मिथ्या अवधारणा है, क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर के साथ करते हैं, जबकि वे ऐसे हैं नहीं। भले ही वे मानव समाज की नजरों में उच्च तथा निम्न पदों पर स्थित हो, किंतु मनुष्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि जब तक वह अपने शरीर तथा मन से परे अपनी आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य नितांत निष्फल हैं। इसलिए हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक अपनी आत्मा के विषय में जिज्ञासा करता है और वेदांत सूत्र, श्रीमद् भगवद् गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे जैसे शास्त्रों को पढ़ता है, किंतु ऐसे शास्त्रों के पढ़ने तथा सुनने के बावजूद भी जब तक वह स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में नहीं आता, तब तक वह आत्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता। और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को जान सके। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय श्लोक संख्या 122 123 में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अहेतु की कृपावश श्रील व्यास देव का अवतार लेकर मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग के पठन पाठन हेतु वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि यह वर्ग श्री भगवान से अपने असली संबंध को प्रायः पूरी तरह भूला हुआ है। ऐसा बुद्धिमान वर्ग भी श्री भगवान के साथ अपना संबंध भूल सकता है। अतएव संपूर्ण भक्ति योग की प्रक्रिया भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए है। यह पुनर्जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है, जो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा होने पर ही मिलता है। बुद्धिमान वर्ग के मनुष्य को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते, अतएव मनुष्य जीवन की महत्ता सदैव ठीक से समझ में नहीं आती। यहाँ पर मनीषिणाम अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। महाराज परीक्षित, जैसे मनीषी नाम को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए तथा श्री भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि में अपने आप को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हरि कथामृत हैं। यह कृत्य मरणासन व्यक्ति के लिए विशेष रूप से संस्कृत है। हरे कृष्ण। तो अधिकांश लोग भौतिक संसार में वह शरीर के बारे में ही सोचते हैं, शरीर के बारे में ही जिज्ञासा करते हैं, लेकिन जो कुछ भाग्यशाली हैं वो आत्मा के विषय में जानना चाहते हैं। वह स्तर मनुष्य जीवन का स्तर होता है जहां पर हम बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब उनके लिए क्या क्या सहायतापूर्ण क्रिया है कि वह शास्त्रों का अध्ययन करें।
तो गीता भागवत जैसे शास्त्र उनके लिए मदद करते हैं। लेकिन शास्त्र पढ़कर भी वह जब अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते, जैसे तृतीय अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ ले और ये जान जाए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर वो पापों से मुक्त हो जाएगा और पूर्ण शुद्ध क्रिया में निमग्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं क्योंकि वो तीन गुणों से ग्रसित होता है, प्रकृति क्रमणानि गुणे कर्माणि सर्वशा, तो तीन गुणों के प्रभाव में फिर वो काम करता रहता है। तो 84 लाख योनियों से ऐसे मुक्ति का कारण क्या होता है, जब वो सदगुरु की शरण में आते हैं। ऐसे गुरु की शरण में आने के बाद व्यक्ति जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, नाम का कीर्तन करता है इत्यादि, तब वो अपने सारे कलमशों से मुक्त होकर के भगवान की शरण में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है। तो उस प्रकार से यह बड़ा ही सौभाग्य परीक्षित महाराज का कि वो इस प्रकार से भगवान के श्रवण कीर्तन में निमग्न हुए हैं। अजय प्रभु अगले श्लोक पढ़िए, 2 से लेके 7 तक। अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्राह्मणं पतिम इंद्रिमिंद्रि कामस्तु प्रजा काम प्रजापति देवी मायां तुष्टिम कामस्ते च दस्कास्मो विभावसुं वसु कामो वसुं रुद्रान वीर कामो वीरवान अन्नाध कामस्तवदितिम स्वर्ग कामो दिते सुतान विश्वान देवान राज्य काम साध्यान संसाधको विषाम आयुष कामो श्विनो देवो पुष्टि काम इलाजे प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोक मातारो रूपाभि कामो गंधर्वान स्त्री कामो सर्वशीम आधिपत्य काम सर्वेशाम यजेत परमेष्ठिनम यज्ञम यजे यजस्काम कोश काम प्रजेतसम विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थ उमां पति। अभी जैसे रेलवे का शेड्यूल होता है कौन सी ट्रेन कहाँ पर जाएगी, वैसे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई कोई पर्टिकुलर इच्छा हो, कोई किसी प्रकार की एक एक कोई विशेष विशेष परिस्थिति में आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो किस देवी देवता के पास जाना चाहिए, वह भगवान वह सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता कल खान लिया। अर्चना माता जी पढ़िए अनुवाद। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी हो उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिव के रुद्रावतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्वदेव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायुष्य की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी के स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की, और जो अच्छी पत्नी चाहता हो उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो दूसरों पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। जो अस्थाई कीर्ति का इच्छुक हो उसे श्री भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए।
यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो तो उसे शिव की, और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता हो तो उसे शिव की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार से अलग अलग भौतिक इच्छाओं के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा का यहाँ पर वर्णन किया है। किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो यहाँ से देख सकते हैं किसकी पूजा करनी है। लेकिन ये बताने का अभिप्राय ये नहीं है कि देवी देवताओं की पूजा को सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं। अगले श्लोक में उसको वह क्लियर कर देंगे कि वो क्यों इतना कुछ बता रहे हैं कि अगर आपको भौतिक कामनाएं करनी है तो भौतिक देवी देवताओं की पूजा कीजिए, लेकिन अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यह यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। विनीत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए ये पूजा की नाना प्रकार की विधियां हैं। इस भौतिक जगत की सीमा में रहने वाला बद्ध जीव भौतिक भोग की प्रत्येक प्रकार की योग्य वस्तु में दक्ष नहीं हो सकता, किंतु जैसा कि ऊपर बताया गया है वह विशेष देवता की पूजा करके उस विशेष पदार्थ के ऊपर प्रभुत प्रभाव डाल सकता है। शिव की पूजा करने से रावण अत्यंत शक्तिशाली बन गया था और वह शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों को काटकर उन्हें अर्पित करता था। वह शिव की कृपा से इतना शक्तिशाली बनता गया कि सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री रामचंद्र को ललकारा और इस तरह स्वयं नष्ट हो गया। दूसरे शब्दों में ऐसे सारे व्यक्ति जो भौतिक भोग के कुछ या सभी विषयों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, अर्थात जो स्थूल भौतिकवादी है, वे कम बुद्धि वाले होते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भी इस बात की पुष्टि की गई है। उसमें कहा गया है कि जो सद विवेक से विहीन है या जिनकी बुद्धि माया की भ्रामक शक्ति से हर ली गई है, वे जीवन में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके या वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर भौतिक सभ्यता में उन्नति करके जीवन के सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में जीवन की मुख्य समस्या जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का समाधान ढूंढना है। कोई अपने जन्म अधिकार को बदलना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई वृद्ध या असक्त होना नहीं चाहता और कोई रोगग्रस्त होना नहीं चाहता, किंतु ये समस्या न तो किसी देवता के अनुग्रह से हल हो पाती है, न तथा कथित भौतिक विज्ञान की उन्नति से। श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों का वर्णन सभी प्रकार के सद्विचारों से विहीन व्यक्तियों के रूप में किया गया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जीवों की 84 लाख योनियों में से मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ एवं मूल्यवान है, और ऐसे दुर्लभ मनुष्यों में भी वे लोग और भी दुर्लभ है जो भौतिक समस्याओं के प्रति सचेष्ट हों। इनमें से भी ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ है जो श्रीमद् भागवतम के महत्व से अवगत हों, जिसमें श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं मिलती है। मृत्यु सबके लिए अपरिहार्य है, चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख, लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को मनीषी कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह है कि वे अत्यधिक विकसित मन वाले पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु निकट आने पर सारे भौतिक भोग छोड़ दिए थे और श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्री भगवान की कथाएं सुन करके उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोग के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं को भर्त्सना की गई है। ऐसी आकांक्षाएं पतित मानव समाज के लिए नशे के समान है। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे इन आकांक्षाओं से बचे और उसके बदले भगवत धाम वापस जाकर स्थायी जीवन को ढूंढने का प्रयत्न करें। हरे कृष्ण। ये उस प्रकार हुआ कि कोई व्यक्ति जेल में है और जेल में उसको कई सुविधाएं दी जाएं कि अगर आपको पानी चाहिए तो इधर जाना, आपको खाना चाहिए तो इधर जाना, आपको कपड़े चाहिए तो इधर जाना, बाल कटाने तो इधर जाना, वो सब ठीक है। लेकिन मुख्य बात है कि कैसे व्यक्ति जेल से बाहर निकले, कैसे उसके जीवन की समस्याएं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है उससे वो मुक्त हो। तो जब तक हम भौतिक जगत में ही सुख ढूंढते रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे मुक्त होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मुख्य बात है, भाग्यशाली वो लोग हैं जो मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो है जो मनुष्य जीवन में ये समझ गए हैं कि मुख्य बात है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जो ये समझने के बाद श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं, वह सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। इसीलिए आगे और बता रहे हैं कि भगवान की आराधना क्यों करना चाहिए, और भी कुछ देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं और फिर उसका कंक्लूजन बताएंगे।
धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन पितृन यजेत रक्ष काम पुण्य जनान ओजस कामो मरुद्गणान। विनोद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करें और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए या उनके भक्तों की आराधना करनी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति अपने वंश की रक्षा चाहता है तो अलग अलग मरुद इत्यादि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, धर्म पथ आध्यात्मिक विकास के पथ पर उन्नति करने अंततोगत्वा भगवान विष्णु के साथ उनके निर्विशेष तेज, उनके अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप तथा अंततोगत्वा ज्ञान में आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनके साकार स्वरूप के साथ नित्य संबंध को पुनः जागृत करने की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अच्छा वंश स्थापित करना चाहता है और क्षणिक शारीरिक संबंधों की उन्नति से सुखी रहना चाहता है, उसे पितरों तथा अन्य पवित्र लोकों के देवताओं की शरण में जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न श्रेणियों में पूजक अंततोगत्वा उन देवताओं के लोकों में पहुंच ही सकेंगे, किंतु जो ब्रह्म ज्योति में स्थित वैकुंठ लोकों तक पहुंच जाता है उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। तो अलग अलग पितरों की, देवताओं की आराधना की जा सकती है, लेकिन वह सब देवता भी अस्थाई है और उनके दिए हुए वरदान भी अस्थाई हैं। तो स्थाई रूप से अगर हमको सुखी होना है, कुंठों से, दुख से, दर्द से मुक्त होना है, तो हमको वैकुंठ नायक भगवान श्री विष्णु की आराधना करके वैकुंठ गमन करना होगा, तभी व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त होता है। राज्य कामो मनुन्देवान निरतिन्त्वाभिचरन् यजेत काम कामो यजेत सोमं अकामो पुरुषं परम। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण, धन्य प्रणाम जी। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक है उसे असुरों की और इंद्रिय तृप्ति चाहता हो उसे ऊपर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं रखता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण, धन्य प्रणाम। और आगे बता रहे हैं, राज्य कामान, राज्य कामन मतलब पृथ्वी में, भूमंडल में राज्य इत्यादि की जिसको कामना हो वह मनु की पूजा कर सकता है। निरतिन, निरतिन मतलब जिसको किसी भी प्रकार से अपनी इच्छाओं की पूरी करना हो और दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करनी हो, ऐसे लोग पूजा करते हैं फिर राक्षसों की, डीमंस, निरतिन। उसके बाद काम कामो यजेत सोमान, और किसी काम वासनाएं पूर्ण करनी हो तो वह सोम की, चंद्रमा की पूजा कर सकता है। लेकिन अकामो पुरुषम परम, जिसकी कोई भौतिक इच्छाएं ना हो वह भगवान की आराधना कर सकता है और भगवान की शरण को प्राप्त कर सकता है। मित्रविंदा माता जी तात्पर्य पढ़िए। मुक्त आत्मा के लिए ऊपर गिनाए गए सारे भोग पूरी तरह से अर्थहीन है। जो लोग बहिरंगा शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध हैं, केवल वे ही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते हैं। दूसरे शब्दों में, अध्यात्मवादी को भौतिक भोग को पूरा करने की इच्छा नहीं होती, जबकि भौतिकतावादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से युक्त रहता है। भगवान ने घोषित किया है कि जो भौतिकतावादी भौतिक भोग चाहते हैं और उनके लिए विभिन्न देवताओं की कृपा याचना करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे अपनी इंद्रियों के नियंत्रक होने की स्थिति में नहीं होते हैं, इस प्रकार मूर्ख सिद्ध होते हैं। अतः मनुष्य को कभी किसी तरह की भौतिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए सजग रहना चाहिए। ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे बढ़कर विमूढ़ होते हैं, क्योंकि वे खुलकर और मूर्खता पूर्वक ये प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सफल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा प्रचार न केवल भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम की शिक्षा के विपरीत है, अपितु मूर्खतापूर्ण भी है। यह उसी तरह है जैसे किसी भी विभिन्न यात्री टिकट के
बल पर एक ही गंतव्य तक पहुंचने का अधिकार जताना। यदि कोई बड़ौदा की टिकट खरीदे तो वह उससे दिल्ली से मुंबई नहीं जा सकता। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि विभिन्न इच्छाओं से युक्त व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिसे कोई भोग वासना नहीं है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा की यह प्रक्रिया भक्तिमय सेवा कहलाती है। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की इच्छा भौतिक इच्छा के बिना, अर्थात सकाम कर्म तथा अनुभववादी तर्क वितर्क की इच्छा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य चाहे तो परमेश्वर की पूजा कर सकता है, किंतु ऐसी पूजा से प्राप्त होने वाला फल भिन्न होता है, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। समानतः भगवान किसी की इंद्रिय भोग की कामना को पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा न करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को भौतिक भोग की इच्छा कम कर देनी चाहिए और इसके लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ परम या किसी भी भौतिक वस्तु से परे कहा गया है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी कहा है, नारायण परात व्यक्तात् परमेश्वर भौतिक चक्र से परे है। हरे कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। श्लोकों में जो अलग अलग देवताओं की आराधना करने के लिए अलग अलग गंतव्य बताए हैं, यह वास्तव में बता रहे हैं कि कैसे भौतिक इच्छाओं के चलते हम अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन इनके वरदान सीमित हैं, भौतिक ऐश्वर्यों में ही है, भौतिक संसार में ही है। व्यक्ति अस्थाई रूप से थोड़े समय के लिए प्रसन्न हो सकता है, लेकिन भौतिक संसार में ही रह जाएगा। लेकिन भौतिक इच्छाओं के साथ या फिर मुक्त अवस्था में या शुद्ध भक्ति से जैसे भी अगर भगवान की आराधना में कोई लगेगा तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। यह अगला श्लोक है। यह श्लोक बताने के लिए एक फाउंडेशन, एक इंट्रोडक्शन तैयार किया सुखदेव गोस्वामी ने पिछले कई श्लोकों में, लेकिन मुख्य इस शिक्षा का मुख्य बिंदु है अगला श्लोक। वह श्लोक मार्क भी करके रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसको याद भी करना चाहिए। तो कल हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे, लंबा तात्पर्य है। अभी किसी का एक दो कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न है? यस अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये आठवें श्लोक के तात्पर्य में एक लाइन है, किंतु जो ब्रह्म ज्योति में स्थित वैकुंठ लोगों तक पहुंच जाता है उसे सर्व सिद्धि प्राप्त होती है, इसका मतलब क्या बताएं? देखिए, भगवान के शरीर से निकलने वाली प्रकाश को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। वही ब्रह्म आकाश है, वही चिन्मय आकाश है। चिन्मय आकाश में अलग अलग ग्रह स्थित हैं, जिनको वैकुंठ ग्रह बोला जाता है। असीमित वैकुंठ ग्रह हैं, जैसे भगवान के असीम अवतार हैं, अंश हैं, कला हैं, अलग अलग उनके वैकुंठ लोक हैं। तो जो आध्यात्मिक आकाश में जाता है अपने अपने भाव के हिसाब से उन वैकुंठ ग्रहों में चला जाता है, और जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है वह उसी चिन्मय आकाश में विलीन होता है। बाद में फिर उसका अगर वहां पर सेवा नहीं मिलती है फिर से भौतिक संसार में गिर जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला ब्रह्म ज्योति में स्थित अलग वैकुंठ ग्रह, क्योंकि जो चिन्मय आकाश है वो वास्तव में ब्रह्म ज्योति ही है, भगवान शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। ठीक है, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था, जो योगी है, जो जीव है वो अलग अलग प्राणवायु को, जैसे मुख से, आंख से, कान से, अलग अलग द्वारों से अपने प्राणवायु को छोड़ता है, और योगी जो है शीर्ष से। सो क्या इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है कि जो अलग अलग रास्ते से प्राणवायु निकलती है? भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं आठवें अध्याय में कि इसका सिग्निफिकेंस है। जो अपने ऊपर की इंद्रियों से शरीर छोड़ते हैं, जैसे मुख से, आंखों से, और ये सतोगुणी बताए गए, और जो नीचे से छोड़ते हैं वो तमोगुण रजोगुण के लक्षण बताए गए, और योगी ब्रह्मरंध्र से शीर्ष से छोड़ता है तो वो फिर वैकुंठ जगत में जाने का अधिकारी बनता है। वास्तव में वैकुंठ जगत में नहीं, वह ब्रह्म ज्योति तक जाता है।
लेकिन भगवान आठवें अध्याय में ये सब बताने के बाद अंत में बोलते हैं, लेकिन मेरे भक्त इन सब चीजों में नहीं पड़ते, मेरे भक्तों का इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। वो किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी नक्षत्र में, किसी भी मुहूर्त में अपना शरीर छोड़ेंगे, उनको मैं अपने धाम में ले जाऊंगा। तो भक्तों के ऊपर ये सब नियम लागू नहीं होते हैं, ये सब नियम लागू हैं उनके ऊपर जो योग के माध्यम से, अपनी शारीरिक उन्नति के माध्यम से उच्च गति को प्राप्त करना चाहते, तो उनके लिए ये सब नियम जरूरी हैं। लेकिन भगवान के भक्तों के लिए ये सब नियम जरूरी नहीं है, वो किसी भी अवस्था में शरीर छोड़ते हैं तो भगवत धाम जाते हैं। प्रभु जी एक चीज और क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली लास्ट मैंने इसमें किया 23 श्लोक तक हमने रीड किया, तो उसके बाद क्लासेस हुई है, मैंने मिस कर दी है 23, नहीं वो तो अध्याय पूरा किया था लास्ट। ओके, फिर मैंने क्लासेस मिस की हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नेताई को और प्रेमन